तो बिहार के सीएम ने कंधे पर बोझ ले लिया है और पूरे देश को एक तरफ कर दिया है। इनडायरेक्टली समझा जाए तो मोदी सरकार को हराने के लिए उन्होंने अपने कंधे को ज्यादा मजबूत कर लिया और उस कंधे के लिए संभालने के लिए अलग अलग पार्टी के मेंबर से मिल रहे हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो 2024 का चुनाव दूर नहीं है और भाजपा सरकार यानी मोदी को हराने के लिए इनको एक तरफ होना पड़ेगा, यानी पूरे विपक्ष पार्टी को एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी भाजपा सरकार को हरा पाएंगे। क्योंकि भाजपा सरकार काफी मजबूत है और उसको हराने के लिए सभी पार्टी मेंबर की भी जरूरत है। अब नीतीश जी ने ये बेड़ा उठाया है। पहली बार नीतीश जी नहीं आए, उनसे पहले भी बड़े बड़े साहूकार भी आए थे जो भाजपा सरकार को हराने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग करके आए थे, पर प्लानिंग कहाँ फेल हो जाती है। आज जरा इस पर बात कर लेते हैं कि विपक्ष को एक साथ कटघरे में खड़ा करना आम बात नहीं है। सबको मनाना पड़ेगा, सबकी बात को समझना पड़ेगा और सबको एक मत रखना पड़ेगा, क्योंकि मोदी के सामने कोई एक चेहरा आना चाहिए। और इस रेस की दौड़ में तो हर कोई पीएम बनना चाहता है। भैया सत्ता की कुर्सी है, गरम गरम है, कोई हाथ क्यों ना सेके अपने। पर क्या मजबूरी है कि जब कोई हाथ सेकेगा तो बाकी लोग क्या उसके लिए राजी होंगे। फिलहाल तो हाल ही में आपने जाना होगा कि अरविंद केजरीवाल यानी जो दिल्ली के सीएम है उससे नीतीश कुमार जी मिले और बकायदा बड़ी बात भी करी, और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हो गई है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो दिल्ली, ममता बनर्जी बंगाल और यहाँ पे महाराष्ट्र और खुद का उनका है बिहार, ये चार राज्य तो उन्होंने संभाली और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये चार राज्य से वो भाजपा सरकार को हरा पाएंगे? जी नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इनके नखड़े भी तो बड़े हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जो जो मिलेगा वो ये कहेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी खुद दावा करेगी कि उनकी ही पार्टी से कोई चेहरा होना चाहिए पीएम पद के लिए। अब राहुल गांधी को कोई सपोर्ट ही करता, शिट हमने क्या बोल दिया, मजबूरी है बोलना पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में हमें कोई दिखता नहीं है। अगर आपको कोई दिखता है तो जरा कमेंट करके थोड़ी सी मेहनत करके हमें बता दीजिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा आपको और कोई चेहरा दिखता है पीएम के लिए। खैर वापस आ जाते हैं अपनी खबर की दौड़ पर और समझते हैं कि खबर क्या कहना चाह रही है। क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरह भगदड़ मचती जा रही है एक के बाद एक, क्योंकि आपने ध्यान से कभी ना कभी सुना होगा कि 2024 में सिर्फ एक ही पार्टी है जो टक्कर दे सकती है भाजपा को, वो है आम आदमी पार्टी। लगातार ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, जब आम आदमी पार्टी खुद टक्कर दे सकती है भाजपा को तो बाकी पार्टी क्या मुंह ताकने के लिए बैठी है? जी नहीं, सबकी पार्टी का अलग अलग अस्तित्व है। तभी तो 150 दिन के दौरे पर निकली है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम। क्या करके पमानेगी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव के दौर में अगर 150 दिन की यात्रा राहुल गांधी खुद करेंगे तो बाकी राज्यों में जो चुनाव है वहां क्या करेगी कांग्रेस, ये भी एक सवाल उठता है। इसका भी जवाब बताओ तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा। खैर आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि उनको पीएम से कोई लेना देना नहीं है, बस वो चाहते हैं कि सारी पार्टी एक तरफ हो जाए और भाजपा को हटाने की तैयारी करें, क्योंकि भाजपा को हटाएंगे नहीं तो देश पीछे चलता जाएगा। तो जाते जाते एक सवाल पूछ के जाते हैं हम आपसे, क्या नीतीश कुमार जो अपने कंधों पर बोझ लेकर ये चल रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल अपने आप को कर पाएंगे? अपनी राय जरूर भेजिएगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।